जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुशाहिद खान और आज 13 तारीख है, 13 मई और 14 मई को ईद है। भारत में ईद मनाई जाएगी, लेकिन मैं आज एक ऐसे लेबर चौक पे हूँ, यहाँ पर मज़दूर बैठे हुए हैं और तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और 12:30 बजने के बाद भी ये तमाम वो मजदूर हैं जो एक आस में बैठे हुए हैं कोई हमें काम देगा या हमारा काम लगेगा। इसमें सब समुदाय के लोग हैं, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, लेकिन काम नहीं मिला है। और ये वो लोग हैं जो डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, जिनके डेली मजदूरी अगर करेंगे तो इनके घर का चूल्हा जलेगा और नहीं मजदूरी करेंगे तो इनका घर का चूल्हा नहीं चलेगा। बुजुर्ग भी हैं। आप क्या नाम है आपका? शमशाद। तो आपकी उम्र कितनी है? होगी 60 साल की। तो शमशाद भाई, 60 साल की उम्र में आज चांद रात है और उम्र आपकी 60 साल है, घर में कोई है नहीं कमाने वाला है? घर में कोई कमाने वाला है? मास लगाओ। कमाने वाले हैं भी, पर कोई खाने को तो नहीं देता। कमाने वाले हैं? हाँ, बच्चे हैं। हाँ, बच्चे हैं। खाने को नहीं देता तो फिर क्या कमाना, क्या कहा कि बच्चे, पेट के लिए तो कमाना पड़ेगा ही। तो अब तकरीबन बजे हैं 12:30 और 12:30 बजने के बाद काम वाम मिला? नहीं मिला, काम है ही ना, तो मिले कहाँ से काम। इसी आस में हो कि कोई आए काम वाला और ले के चला जाए, मजदूरी मिल जाए। मजदूरी मिल जाए, कोई आवे काम वाला, मजदूरी मिल जाए, इसी उसमें बैठे हुए हैं। और कल ईद है, ईद के फिर ईद के लिए कैसे इंतजाम है? कोई मिजाज नहीं, ईद के लिए कोई मिजाज नहीं। एक दिन की दिहाड़ी कितनी होती है? एक दिन की 400 रुपये होती है। अच्छा, इस उम्र में आपको ले जाते हैं लोग काम कराने के लिए, ये मना कर देते हैं कि नहीं बाबा आप नहीं करोगे? मना कर देते हैं। कोई होएगा ना, चलो इनको कर ले चलो, कोई 100 में से एक आदमी मिले चलो, नहीं मना कर देते। अरे, जवान जो है उनको ले जाते हैं और सबको मना कर देते? सबको मना कर देते हैं, जवानों को ले जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर तबका वही है, ये मजदूर तबका यहाँ पे बैठा हुआ है। हाँ, मजदूर हैं वो लोग। आप वो लोग हो जो डेली कमाते हो, डेली आपके घर का चूल्हा जलता है। आपकी उम्र क्या है? 50। लेकिन हालात ने आपको 70 का बना दिया। हाँ जी, है ना। हाँ जी। क्या नाम है आपका? शौकत। है जी, शौकत अली। शौकत नाम है आपका? हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या करते हैं शौकत भाई? यही काम है, मजदूरी। मजदूरी तो आज तो मजदूरी लगी नहीं आप? नहीं, 3 साल से मजदूरी नहीं लग रही जी, 3 साल से मजदूरी नहीं लग रही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अष्टू भाई कहते हैं, अष्टू भाई। अच्छा, 3-4 दिन से आपकी मजदूरी नहीं लगी? नहीं लग रही। तो आप सब लोग इसी आस में हो भाई के मजदूरी लगेगी? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद। प्रमोद, आपका नाम क्या है? पवन। पवन, तो सारे लोग आप वो हो जो डेली मजदूरी करोगे तो घर का चूल्हा जलेगा और डेली मजदूरी नहीं करोगे तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा, यही है ना। नाम क्या? नाम सुंदरलाल। मजदूरी मिली आपको सुबह से? हाँ, सुबह से मजदूरी मिली? नहीं मिला भैया, नहीं मिला। तो डेली जो यहाँ से कमा के ले जाओगे वो बच्चों को वही खिलाओगे जाके? और क्या करेंगे, काम ही मिलता है 4-4 दिन तक, 10 दिन क्या करेंगे जी। लॉकडाउन लगा जब से काम ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो इसी उम्मीद में हो कि कोई आएगा ले जाएगा तब घर का चूल्हा चलेगा? हाँ, ऐसा ही है। घर में और कोई है कमाने वाला? कोई नहीं है। कोई नहीं है। देखिए, ये हालात हो गए, ये हालात हो गई है, तो सरकार को सोचना चाहिए ऐसे मज़दूरों के बारे में भी, जो जिनका रोज़ी रोटी ऐसी चलती है कि डेली काम करेंगे तो घर के चूल्हा जलेगा वरना नहीं चलेगा। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सोचते हैं कि इतना तो इनकी मदद कर दें, कम से कम इनके घर का चूल्हा जल जाए। आप कितने लोगों को लाइन लगा लो भाई? अभी थोड़ी सी हमने हेल्प की है जो हमसे हो सकती थी, अल्लाह ने जो हमसे कराई है कि कम से कम 1-2 दिन का इनका घर का चूल्हा चल जाए, अपने राशन लाए। कल ईद है, साहब खुश हैं आप लोग? हाँ जी, खुश है साहब, सब खुश हैं। खुश हैं जी। कोई आता है ऐसे कि आके बाढ़ के चले जाए? कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता, नहीं आता जी। है जी, पहली बार आप आए सर? पहली दफ़ा कोई आया जो बाढ़? नहीं, हमने तो आपको ही देखा पहली बार जी, उससे पहले कोई नहीं आया इधर। अच्छा, जी हाँ, कोई पूछने भी नहीं आया कैसे हाल में, कोई नहीं आया पूछने के लिए। पहले भी बाढ़ गए,
पहले आप बांट के पीछे पहले पहले में आए थे, आए थे आप, इसके बाद कोई नहीं आया। मेरा नाम मुशाहिद खान है, ठीक है जी। दुआ दुआ कीजिएगा मेरे हक में भी, ठीक है।